हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आज का मेरा व्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही सिंपल एंड क्विक सी ब्रेकफास्ट या तो फिर तो यहाँ पे मैंने छाछ प्रिपेयर, ये सब मैंने प्रिपेयर कर लिया है जब तक आलू पकेंगे। तो बस यहाँ पे आलू पक चुके थे तो उसी में मैं ऐड कर दूँगी अभी बाकी सारा प्याज और हरी मिर्च। इसमें आप टमाटर वगैरह भी डाल सकते हो, कैरेट भी डाल सकते हो, एज़ पर योर चॉइस। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हो। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद उसको अच्छे से हिला लेना है आपको। इसको मैं फास्ट गैस पे ट्रांसफ़र कर लूँगी ताकि वो सूजी को मैंने ऑलरेडी रोस्ट कर लिया था तो ये भी बनने लगे। तो यहाँ पे सब चीज़ें, ये देखिए, इसको थोड़ा सा और मैं पकने दूँगी। इसके बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी बटर मिल्क और थोड़ा सा पानी। इसमें मैंने एक गिलास जितना पानी डाला है और एक ही गिलास जितना बटर मिल्क डाला है। थोड़ी सी ऐड करूँगी मैं हल्दी और नमक। इसमें आपको हल्दी डालनी है डाल लो, वरना आप अवॉइड भी कर सकते हो। और ये लिक्विड कितना डालना है वो भी आप अपने हिसाब से प्रपोर्शन डाल सकते हो, क्योंकि ये अभी उबलेगा तो फिर वो ठीक हो जाता है उबलने के बाद। इसीलिए थोड़ा सा पानी और उसका छाछ का प्रपोर्शन ज़्यादा ही रहता है इसमें। अब इसमें जब तक उबाल आएगा तब तक आपको वेट करना है। ये देखिए, ये उबाल आ चुका है। तो अब इसमें मैं ऐड कर दूंगी सूजी रोस्ट की हुई। बहुत ज़्यादा भी सूजी को मत पकाना, अदरवाइज़ वो कड़वा टेस्ट आने लगता है। इसीलिए बिल्कुल थोड़ा सा, जब तक एकदम स्मेल आने लगती है तब तक। बहुत ज़्यादा पकाओगे तो वो जल जाती है नीचे से जब रोस्ट करते हो तब। तो बस इसमें धीरे धीरे सारी सूजी को ऐड कर देना है, उसको अच्छे से हिलाते रहना है। अदरवाइज़ इसमें
इसमें गुठलियाँ पड़ने लगती है, इसीलिए अगर आप उसको अच्छे से नहीं हिलाओगे तो ये समस्या आती है। आपको उसको अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद उसको एक बार अच्छे से मिक्स हो जाए फिर उसको ढक देना है जब तक वो थोड़ा सा मिक्स हो जाए और उबलने लगे। तो बस यहाँ पे जब तक वो उबलेगा तब तक मैं थोड़ा किचन समेट लेती हूँ साथ साथ में ही। तो ये देखिए थिकनेस हो गई है इसकी। ये एक्चुअली थोड़ा सा पतला हो तभी बंद कर देना, अगर बहुत थिक में बंद करोगे तो ये ठंडा होते ही और थिक हो जाता है। इसीलिए जो भी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए उसी टाइम आपको बंद कर देना है, बहुत गाढ़ा मत करिए अदरवाइज़ वो बहुत गाढ़ा हो जाएगा और खाने के टाइम पर वो मज़ा नहीं आएगा। ये देखिए ये रेडी हो गया है, ये एकदम गर्म गर्म खाने में ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर ये रेडी था। तो यही था उपमा की सिंपल सी रेसिपी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसके लिए एक लाइक दे देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और मेरा ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आप सबसे एक नए व्लॉग के साथ। बाय, टेक केयर, बी हैप्पी।